अभी हमने ये सीखा कि हम 11 टू 19 के बीच जो भी डिजिट है, अगर हमें उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, वो सीखने के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। जो नंबर 100 और 1000 के क्लोजेस्ट नंबर हैं, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, 1, 2 और 2 स्टेप में कवर अप करेंगे कि हम जो क्लोजेस्ट नंबर है 100 और 1000 के, उसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 97 को मल्टीप्लाई करना है 94 से। तो 97 और 94, 100 का क्लोजेस्ट नंबर है ये। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जो भी नंबर दिया गया है यहाँ पे वो 100 से कितने डिस्टेंस पे है। ये है -3 डिस्टेंस पे और ये है -6 डिस्टेंस पे। 100 से छोटे हैं नंबर तो हम इसे माइनस में इवेल्युएट करेंगे। ये 100 से -3 कम है और ये 100 से -6 कम है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि हमने सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि 100 से उस नंबर का जिसको मल्टीप्लाई करना है, उन नंबर्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि इनका डिस्टेंस कितना है 100 से। अब हम इनका क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। 97 में से 6 माइनस करेंगे और अगर हम 94 में से 3 माइनस करेंगे तो जो भी डिफरेंस रहेगा इनका आपस में तो वो सिमिलर रहेगा। मतलब कि अगर 97 में से 6 माइनस कर दे तो 91 और 94 में से 3 माइनस कर दे तो भी सेम डिफरेंस रहने वाला है 91। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में 91, 100 है तो 2 जीरोस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि जो भी हमारे पास नंबर है डिफरेंस करने के बाद, डिस्टेंस निकालने के बाद जो भी नंबर हम लोगों के पास आया है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 3, तो 6 मल्टीप्लाई 3 18, हम इसमें 18 प्लस कर देंगे 19118। हम जो यहाँ पे साइन है नंबर्स के साथ उसे भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए ये प्लस के 18 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 को मल्टीप्लाई करना है 88 से। अगर हम इसका 100 से डिफरेंस देखें तो ये -2 और इसका डिफरेंस है -12, है ना। तो -2 और -12, अगर हम 98 में से 12 माइनस करें जो हमारे पास माइनस करके आएगा 86, अगर हम 88 में से -2 करें तो भी आएगा 86। मैं 88 में से -2 कर रही हूँ क्योंकि इसे माइनस करना इजी है, तो 86, ठीक है। इसके बाद 2 जीरोज है, 86 नहीं है ये, 86 100 है। उसके बाद हमने जो भी नंबर है माइनस करके आए हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है। 12 2 24, मैं से डायरेक्टली लिख रही हूँ 24 क्योंकि मुझे पता है इसके बाद 2 जीरोज है। अगर मैं इसको ऐड करूँगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस रहेगा, तो अगर मैं इसे 8600 में प्लस करूँगी तो ये 24 आएगा। तो आंसर हमारे पास आए 8624। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 105 को मल्टीप्लाई करना है 113 से। 105 + 5, अगर इसका 100 से डिस्टेंस देखे तो ये +5 है और ये +13, है ना। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हम इनका क्रॉस डिस्टेंस देखें तो प्लस में है 5 + 13 18, 13 + 5 18, तो ये 11800, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 13 5 = 65, अब इसमें 65 ऐड कर देते हैं, प्लस के हैं निशान, तो 11865। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97 को मल्टीप्लाई करना है 108 से। 97 का डिस्टेंस है 100 से -3 और 108 का डिस्टेंस है +8। इसका डिस्टेंस देखें तो 97 + 8 = 105, 108 - 3 = 105, सेम रिजल्ट है 105। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके बाद 00 हैं, तो -3 × +8 = 24, -24 क्योंकि 1 साइन माइनस का यहाँ पे, तो -24, 105 00 में से 24 हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि माइनस साइन कंसीडर हो रहा है यहाँ पर, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। यहाँ आपने देखा होगा कि हमने डायरेक्ट ऐड किया था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया था इसको क्योंकि मुझे पता था कि 8600
में 24 ऐड करेंगे तो 8624 आएगा। स्टेप्स को कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया था, यहाँ भी डायरेक्ट ही ऐड हो रहा था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें माइनस करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख देते तो ये आपका आंसर रॉन्ग होता। हमने इसे डायरेक्ट ऐसे करके लिखना क्योंकि जो साइन है वो माइनस का कंसीडर हो रहा है। हम इसे यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 10476। तो देखा आपने कि अगर कोई भी नंबर 100 के क्लोजेस्ट है तो हम उसे कितने इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 के क्लोज नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना सीखा कि हम उन नंबर्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सीखते हैं कि जो नंबर 1000 के क्लोजेस्ट है हम उन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस है करने का जिस तरह से हमने 100 के क्लोजेस्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा था, सेम प्रोसेस रहेगा कि जो 1000 के क्लोजेस्ट नंबर है हम उसे उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करके देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि 997 को 985 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इनका 1000 से डिस्टेंस देखें 997 का और 985 का, तो इसका डिस्टेंस है माइनस के 3 और इसका डिस्टेंस है माइनस के 15, ठीक है। अब हम इनका क्रॉस डिस्टेंस देखें तो मैं 985 में से माइनस 3 कर रही हूँ क्योंकि इसका कैलकुलेट करना ईजी है, तो ये आएगा 982। तो थाउजेंड्स हैं यहाँ पे तो जो जीरोस रहेंगी वो 3 रहेंगी, ठीक है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना इनको, तो 15 3 45, माइनस के 3 और माइनस के 15 है तो जो साइन रहेगा वो प्लस का रहेगा, तो 45 इनको प्लस करना है तो 982045। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं ना कि डायरेक्ट ठीक है 98245। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे आप इसे जीरो को कंसीडर कर लीजिए और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा इन नंबर्स को वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1007 को 1018 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इनका डिस्टेंस देखे 1000 से तो ये प्लस 7 है और ये प्लस के 18 है, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस देख लेते हैं आपस में कितना है। 1007 में 18 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 1025। तो यहाँ 1025000। अब 1025000 अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 7 126, तो 126 इसमें ऐड करेंगे तो 1025126। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 1013 को मल्टीप्लाई करना है 992 से। 1013 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 992 से तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे हम लोगों के पास। अगर मैं इसका डिस्टेंस देखा जाए 1000 से तो ये प्लस के 13 है और ये माइनस के 8 है। अगर 992 का डिस्टेंस देखा जाए तो ये माइनस के 18 है। तो इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो 1005। अगर हम 13 में से 8 माइनस करें तो 5। अगर 992 में 13 ऐड करें तो अभी हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा 1005 रहेगा और इसके बाद जो जीरोज हैं वो 3 जीरोज हैं। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। 13 8 104। अब हम 104, ये माइनस के हैं हमारे पास क्योंकि जो साइन है प्लस माइनस माइनस होता है, तो जो साइन है वो माइनस का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और अब इसे माइनस कर देंगे 6 9 8 4 0 0 1। आप चाहो तो अपनी ओरली कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर आप इन क्वेश्चंस पे इस स्पीड मैट पे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो ओरली कैलकुलेशन है बड़ी इजी हो जाएगी और आप इसे विदाउट एनी स्टेप, जैसे मैंने ये स्टेप यहाँ पर लिखा, ये स्टेप यहाँ पर लिखा, आप विदाउट एनी स्टेप इन्हें इजिली कैलकुलेट करके और जल्दी से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।